अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। यह है हमारी हिंदी क्लास और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 7 संज्ञा। ठीक है, तो आप सब अपनी बुक्स को ओपन कीजिए पेज नंबर 41 पर। पार्ट 7 संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मनीष, मयंक तुम्हें पता है मैं अपने पिताजी के साथ नैनीताल गया था। तो इस वाक्य में नैनीताल क्या है? संज्ञा है, ये एक स्थान का नाम है तो हम इसको संज्ञा बोलेंगे। मयंक, अच्छा वह तो बहुत सुंदर शहर है, वहाँ झरने, झीले, पर्वत पूरे शहर को और सुंदर बना देते हैं। इस वाक्य में झरने, झीले, पर्वत ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। मनीष, हाँ और वहाँ के लोगों में बहुत ईमानदारी और उदारता है। पता है पहाड़ों पर घर भी दूर दूर होते हैं, नाव में बैठकर लोग झीलों का आनंद लेते हैं। इस वाक्य में ईमानदारी और उदारता संज्ञा शब्द है क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है, ये भाव का नाम है इसलिए ये संज्ञा शब्द है। मयंक, तब तो तुम्हें वहाँ बहुत आनंद आया होगा। आनंद क्या है? ये भी एक भाव है, फीलिंग है हमारी, तो ये भी संज्ञा शब्द कहलाएगा। मनीष, हाँ मैंने वहाँ बहुत मज़े किए। उपरोक्त संवादों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए, किसी के नाम है या भाव है अतः ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं। नैनीताल स्थान का नाम हो गया, झरने, झीले, पर्वत ये भी नाम हो गए, ईमानदारी, उदारता, आनंद ये सब क्या है? भाव है। नाव, नाव भी एक वस्तु का नाम है तो ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द हैं संज्ञा शब्द। कौन से शब्द हैं ये? ये सारे शब्द हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है क्लास, अब आ जाते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मुंबई, फतेहपुर सीकरी, भगत सिंह आदि। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात होती है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्न प्रकार हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम गोपाल, कबीर, तुलसीदास। जब हम किसी का कोई विशेष नाम बोलेंगे तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, नदियों के नाम। अब नदियों में हमने विशेष नदियों के नाम लिए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झीलों के नाम, डल झील, वूलर झील आदि। तो जब हमने झीलों का विशेष नाम बताया तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंदर आता है। समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम। तो जब हम किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। टर्न द पेज क्लास, कम टू पेज नंबर 42 नाउ। इधर कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं हमें, जैसे देशों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम आदि। ठीक है, अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु तथा प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, फूल, नदी, पेड़, किताब आदि। जब एक ही प्रकार की संज्ञा बता रहा हो शब्द तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य। अब हम मनुष्य बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर उस मनुष्य का नाम हम बताएंगे तो वो क्या में आएगा? वो किस चीज़ में आएगा? वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही जानवर, अगर हम जानवर बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, और जानवर का हम नाम बताएंगे तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा को एक विशेष नाम दे देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा का भेद निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्जुन, जातिवाचक संज्ञा पुरुष। जब हमने पुरुष बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा था, लेकिन जब हम उस पुरुष का नाम बताया अर्जुन तो वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही कवि,
जब हमने कभी बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा था, जब हमने कभी का नाम बताया तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री, स्त्री बोला तो जातिवाचक, स्त्री का नाम हमने बताया तो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही नदी, नदी, नगर, पहाड़, देश, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब हम उसके विशेष नाम बताते हैं जैसे गंगा, आगरा, हिमालय, भारतवर्ष, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ठीक है क्लास, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मिठास, गहराई, वीरता, बुढ़ापा, बचपन आदि। जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो हम उसमें किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य या भाव के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है भाववाचक संज्ञा के अंदर। भाववाचक संज्ञा को छुआ या देखा नहीं जा सकता है, इसको ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसे हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ भेद पर, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सेना, सभा, परिवार, गुच्छा आदि। जब हम एक समूह के बारे में बात करेंगे, एक समूह को हम कुछ नाम देंगे तो उस संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन भी होती हैं और बहुवचन भी। उनका परिवार यहाँ रहता है, ये क्या है, एक वचन। भूकंप आने के कारण सभी परिवारों को यहाँ से जाना पड़ा। परिवार में कौन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, समूह रहता है, तो परिवार यहाँ क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जब हमने एक परिवार के बारे में बात की तो वो एक वचन था, जब परिवारों की बात हुई तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। फिर आते हैं पदार्थवाचक संज्ञा पर। जिन संज्ञा शब्द में पदार्थ, जिसमें अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, जिस चीज़ से भी कोई वस्तु बनी है, अगर उस पदार्थ के बारे में बात हो रही हो तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, आटा, घी, मिट्टी, दूध, लकड़ी, तेल, कांच आदि। तो अगर हम किसी भी पदार्थ, किसी भी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती,